शोरकोट में तहरीक लब्बैक की तरफ से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल रहमान से बात करते हुए कारी इमरान सैफी ने कहा, लब्बैक के ज़ेर क़यादत एक इत्तेहादी रैली निकाली जा रही है कश्मीर के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं कारी इमरान साहब सैफी, इनसे बात करते हैं। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जनाब शोरकोट में पीपी 128 ये रैली निकाल रही है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम सिर्फ कश्मीर की हद तक हैं। हम ये चाहते हैं, हम तमाम अपनी हुकूमत को, चीफ जस्टिस को, पूरी आर्मी को, पूरे जनाब इंतज़ामिया को ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर ये पाकिस्तान की शाहरग है, इसको आज़ाद होना चाहिए, उनको हक देना चाहिए, कश्मीरियों का हक पूरा करना चाहिए और कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। वगरना ये तहरीक लब्बैक उस वक़्त तक नहीं रुकेगी, उस वक़्त तक नहीं बैठेगी, उस वक़्त तक हम नहीं सोएंगे जब तक ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कश्मीरियों को हक नहीं दिलवाएगी। हम अपने पूरे पर जोर जोश और जज्बे से कहना चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए, कश्मीर को अपना हक दिया जाए, मोदी कमीने को उसका जवाब दिया जाए, उसके मुंह पर लानतें दी जाए। हम बार बार कहते हैं, हम कभी भी नहीं सोएंगे, हम कभी भी नहीं बैठेंगे, हम हर वक्त मैदान अमन में है। यह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह है। जी कारी इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि हम जो है कश्मीर को आज़ादी तक हम जंग जारी रहेगी और कश्मीर हम लेके रहेंगे। जी।